बहनी का फरमाइश रहे वो भीम चर्चा रुआ गाई ना बहुत अच्छी बात बा कम से कम शिव चर्चा से निकल के रुआ लोग भीम चर्चा में और यही में कल्याण विवाह हमारी मतारी बहन जितना जल्दी आप लोग शिव चर्चा से अपनी मतारी बहन बिटियन के निकाल ले ए मेहरारू के संभार लोगा लोगन कहा थे बाबा याद मैंने किया था पिछले साल सॉरी हाँ पिछले साल बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर जैसा कि आप लोग जानते हैं 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आता है उस टाइम मैंने गीत गाया था और बहुत दर्द है दिल में ए बाबा अगर ए साजना होता अलग अंदाज ना होता मैंने शेर लिखा था इसी दलित पिछड़ो अति पिछड़ो के सर पर ताज ना होता अगर ऐसा जिना होता अलग अंदाज ना होता दलित पिछड़ो अति पिछड़ो के सर पर ताज ना होता नहीं होते अगर अंबेडकर साहब मेरे यारो नहीं होते अगर अंबेडकर साहब मेरे यारो बहुजनों का कभी भारत के अंदर राज ना होता बहुजन अर्थात एसटी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बाबा साहब ने कैटेगरी बनाया और कैटेगरी के आधार पर इन बहुजन मूर्खों को समझाने का प्रयास किया लेकिन बहुजन महामूर्ख जाति से निकलने वाले कहां ये जाति से निकले तब तो समझे कि हम बहुजन समाज है अरे बाबा एक जगह विरार है एक बिरहिया के बतावत बताओ समझाओ समझाओ थक गए लेकिन सुबहवा जगला सुबहवा बिरहवा का अंतिमा में कह रहे सुधरो और उस मूर्ख को पता नहीं कि वो भी सुधरे है व्यंग में सुधर सुधर बोल रहा था समाज को अभी तक पता नहीं चला कि हम है क्या समाज के लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि हमारे बाप दादा हैं और जो लोग अपने बाप दादा को नहीं जानते कभी उनको उनका हक और हिस्सा जब आप अपने बाप दादा को जानेंगे तब बाप दादा की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगेंगे आप तो बाप दादा को जानते नहीं हो दूसरे के बाप दादा कहते हो तो हिस्सा देगा कहां से आप अपने बाप दादा की पहचान करोगे तब तो हिस्सेदारी लोगे और यदि आप उसके बाप दादा के बीच में जाकर के बाप दादा कहो तो कह लोगे लेकिन हिस्सा नहीं मिलेगा यकीन है तो गांव घर में आप कह के देखिए हम जमीनी उदाहरण बताते हैं ना यकीन हो तो गांव घर में आप किसी को कितना हूं प्यार से बाबूजी कह लीजिए बाबूजी कह सकते हैं हिस्सा नहीं मिलेगा अरे बहुजन मूर्खों तुम लोग कम समझोगे अपने महापुरुषों को अपने समाज को इस बहुजन समाज को तो मैंने ये चीज कहा था कि बहुजनों के सर पे कभी ताज ना होता मैंने याद किया उस मसीहा को कि ये बाबा कहा
चार बेटा के एक बार दिल से सोच लेंगे, दिल पे ले लेंगे तो आंखें नम हो जाएंगी। एक लड़का का सर्दी जुकाम होता, आदमी परेशान हो जाता, ट्रेन पकड़ लेता, फ्लाइट पकड़ लेता, आवत नहीं, परेशान मत हो भगवान। चार बेटा के दे कुर्बानी देश बचा के ए बाबा, चार बेटा के हर बहुजन खाती अपन जीवन लगा के बहुजन खाती पूरा अपन चर्चा हो जाए। हालांकि गीत 4 मिनट की है, सिर्फ 4 मिनट की, कैसे का ड्यूरेशन है 4 मिनट। यूट्यूब जब से आया है तब से विचारों को दबाना पड़ता है, यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस है। बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी, बतिया में दिक्कत कर रहा था, बतिया के लिए हमें शांति चाहिए। बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी, किसके लिए? अपने लिए। क्या बाबा साहब आजादी मिली तो क्या बाबा साहब इस आजादी का लुत्फ उठा पाए? क्या बाबा साहब को नहीं लगता आजकल हमारे समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का बहुत दम है? हेलो भैया, पढ़े लिखे लोगों को बहुत घमंड है इस बात का, हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन। अरे हायर एजुकेटेड होने से क्या होता है यार? बाबा साहब और मान्यवर साहब के बाद और उसके बाद बहन जी को देख लिया जाए, बहन जी के बाद कोई हायर एजुकेटेड लोग ये दिखाए कि हायर एजुकेटेड होने के बाद देश को क्या दिया है? अरे देश को क्या दिए हो? अपने बीवी बच्चों को बढ़िया मकान दिए हो, अपने बीवी बच्चों को बढ़िया सुविधा दिए हो। हायर एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो संगठित हो संघर्ष करो, इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा पालो अपने बीवी बच्चे में लगे रहो। बाबा साहब अगर चाहे होते आजकल के महलों में रहने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज के मकानों में रहने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, आज के लोग जो ऑफिसर बनकर के अपने को अधिकारी कहलाते हैं, जो लोग पीएम सीएम बनने का सपना देखते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज भी आप कहीं ना कहीं चौराहे पे झाड़ू लगाने। आपको पढ़ने का दम है, डिग्री का दम है, इस डिग्री से फायदा समाज को कितना होता है, जरा ये भी कभी सोचा आपने कि आपने समाज का भला कितना किया, समाज के लोग बदले कहा? अगर आप डॉक्टर बन गए तो आपके समाज में और कितने डॉक्टर पैदा हुए? एक डॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बानी दी तब आपका बेटा डॉक्टर बनता है, एक डॉक्टर ने पूरी अपनी जिंदगी कुर्बानी दी तब आपका बेटा मास्टर बनता है, एक डॉक्टर ने पूरी अपनी जिंदगी कुर्बानी दी और जबकि दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर थे। मेरे पास भी तालीम है, मैं भी टीचर बन चुका था, मैं भी टीचर बनकर आराम से खा लेता कमा लेता परिवार चला लेता, लेकिन आप लोगों के बीच में नहीं होता, नहीं आप लोगों की बात में कर पाता, थोड़ी बहुत उससे हिस्सा निकालना।
पता है पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? पढ़े लिखे लोग बाबा साहब की जयंती मनाने में कतराते हैं। अरे यार भाई बतिए भुलवा देता हम कितना बतिए कुछ कहे वाला नहीं भुलवा देता। पढ़े लिखे लोगों पे बहुत बढ़िया बात आई थी शायद निकल गया। अरे जयंती बहुत ईजी बात होगी, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा था मैं, अब निकल गई तो निकल गई। चलो दूसरी बार गा रहे हैं शायद उसमें आ जाए। कहने का मतलब कि शिक्षा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने सब कुछ त्याग करके आपको दिया, तो आपका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अपने घर में बैठ जाओ। आप कमाने की चाह भूलेंगे कहां भाई, कहीं ना कहीं से भूल जाएंगे। पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, उनका बच्चा आईएएस बन जाएगा, उनका बच्चा वकील बन गया। ओ ईद लोग 10 किलो लड्डू खरीदे और ले जाकर के चढ़ाएंगे कहां? शंकर भगवान जी के, शंकर जी के हनुमान। हे हनुमान जी तोहरी कृपा से हमार लड़का मास्टर बन गई। अरे पगला तनी अपना लड़कवा के जितना दिन पढ़ेले स्कूलिए में उतने दिन हनुमान जी के मंदिरों में तरी बैठा देले होते है? वो पुजारी बनी की भिखमंगा बनी मंदिर में पुजारी बनबो बने दिया सनी टीका वाला मंदिर में टीका वाले रहते हैं, मंदिर के बाहर आप लोग रहते हैं, हाथ में कटोरा रहेगा, लगाओ पैसा भी गिरेगा तो उसको भी गिन के इसमें डाल दो, पाप लगेगा। और आप जा करके वहां क्या करते हो? हाँ दो पॉइंट भूल रहा था, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतना पढ़े लिखे थे, मैंने इस गीत में लिखा है कि नौ भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे, तिरज्ञानी बाप दादाओं पे बस एक अम्बेडकर भारी थे। ऐसी लाइन वही लिख सकता है जिसके सीने में आग जलती हो, ऐसी लाइन वही लिख सकता है जिसके सीने में आग जलती हो। एक लाइन और लिख रहे हैं बड़े दादा वो गीत सुन लिया लोग गा दे तो फिर सुन बनाएंगे हमारे तनियो भी घट जाए गौर करेंगे ये कटोर। अच्छा देखा तो नहीं तो हरमान पता कही दे हम गाए जब तब तुम सुनबे करबे तो हम जनते बनी मजाक कर ली। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्री उन्होंने लिया था, लेकिन उन्होंने किसको किसको गुरु माना था पता है? हायर एजुकेटेड लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब के 3 गुरु थे, तथागत बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबा फुले। अब इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि रे डिग्री धारियों बुद्ध जी के पास कितनी डिग्री थी? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 32 डिग्री लेकर के बुद्ध का शरण अपनाया, बुद्ध जी के पास कितनी डिग्री थी? डिग्री नहीं था लेकिन कहीं ज्ञान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से भी ज्यादा रहा होगा, तब बुद्ध जी का शरण में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए, तब उनको उन्होंने गुरु माना। गुरु किसको माना जाता है? अपने से विद्वान व्यक्ति को, पांच पांच सोलन के थोड़ी, अपने से विद्वान व्यक्ति को गुरु माना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बुद्ध का मार्ग अपनाया तो कहीं ना कहीं बुद्ध ज्ञानी थे। शिक्षा नहीं था, डिग्रियां नहीं थी, लेकिन ज्ञानी शिक्षित होना अलग बात है। शिक्षित होकर के क्या करोगे? निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, इसमें दो राय नहीं है। इसीलिए तो हम लोग का सीना चौड़ा होता है। भाई की गीत को सुन करके और निश्चित रूप से आज भी बिरहा में मेहरानू मर्द कभी रहा ना होके और खाली मर्दे मर्द कभी रहा होके तब बिरहा लड़ जाएगी। और हम मैं बताया ना कि आज बिरहा लड़ी और दोनों भाई खूब लड़ौली जा, और धीरे धीरे समय काफी हो गई, खूब मनोरंजन भाई। ए माला के साथ साथ ढेर सारे रुपयों का पुरस्कार प्रदान किया गया हमारे छोटे अनुज और भोजपुरी के सुंदर कलाकार, जहां तक भोजपुरी की मिट्टी है भाई का सम्मान है ना, मैं तेरा तो नहीं कह सकता, आप भाई गुरु मानते हैं तो ये हमारी सौभाग्य है। राजू सहगल जी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, आप सबको प्रणाम करता हूँ, भाई को ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है। और
भाई के द्वारा बिरहा के सुपरस्टार शानदार लानदार कलाकार जहां तक बिरहा का सम्मान है, भोजपुरी का सम्मान है, वहां तक हम सब का सीना चौड़ा करने का आपने काम किया है। जितने लोग हैं एक बार आपसे निवेदन करता हूं, चाहे हमारी माताएं बहने हो चाहे भाई हो, एक बार भाई के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। यही भाई का दुलार प्यार सम्मान है। मैं खड़ा नहीं होता लेकिन दिल में बड़ा गुदगुदी है, बड़ी खुशी है। एगो गीत हमारे भैया बजाओ सुल्तान जी, कौन गीत था? आहो बाहु जग के भैया बुद्धन शरण गच्छामी आदि धम्मं शरण गच्छामी कृपा करे सद्गुरु स्वामी संघं शरणं गच्छामि सर्वप्रथम कुछ भी कहने से पहले उस दिन दिवंगत आत्मा को नमन करता हूं जो ब्रह्मांड में है अपितु परिवार में नहीं है। वह आत्मा इस ब्रह्मांड में चाहे जहां कहीं भी उस आत्मा को शांति मिले। तत्पश्चात शोकाकुल परिवार के तमाम सक्रिय पदाधिकारी बंधु उपस्थित हित मित संगी साथी भाई भगवत पिता तुल बुजुर्ग नौजवान साथी दूर दराज बैठ कर गृह कारण ले रही हमारी सम्मानीय माताएं बहने मंच में मंचा सिंह हमारे गार्जियन बड़े भैया पार्वती महिला पीजी कॉलेज के बड़े बाबू तमाम बुजुर्ग कलाकारों में आपने ढोलक पे संगत किया आदरणीय सुरेंद्र भारती जी मंच में मंचा सिंह हमारे बड़े भैया आदरणीय तेज बहादुर यादव जी दरगाह मऊ मंच पे मंचासीन हमारे बड़े भैया आदरणीय मास्टर साहब दिनेश मास्टर साहब मंच पे मंचासीन है सम्राट कोचिंग सेंटर के प्रबंधक हमारे आलोक गुरु जी हमारे केदार भैया तमाम साथी और फरवाही डांस के ग्रुप हमारे राहुल भाई तमाम गार्जियन आप सभी साथियों को मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना जी के वो लोग प्यार दुलार से दीवानवा कह ले एक स्वर में नमस्कार प्रणाम करत बानी हार्दिक अभिनंदन बा वंदन बा आदाब बा सलाम बा एगो भोजपुरी गायक महिला का नाते आप सभी लोगों के पांव छू के गोड़ लगातनी आशीर्वाद में शांति का कामना बा शांति देंगे। धन्यवाद के पात्र हमारे राहुल भाई जिनके दादी जी का तिरहि है। कल यह डेट था तीन चार दिन में फैसला लिया गया। हमें कभी कभी यकीन नहीं होता है कि आप लोग कितना प्यार करते हैं अपने भाई से। तीन चार दिन के अंदर हित मित को डेट बदलना केवल आपका डेट बदलना होता तो बात बन जाती। श्राद्ध क्रम में आप अपना डेट बदले सारी व्यवस्था बदले हलवाई बदले टेंट बदले समियाना बदले साउंड बदले हित मित का तारीख बदलना यह प्यार है आप लोग के भाई के प्रति। एक बार हम चाहेंगे राहुल बाबू के नाम पे जोरदार तालियों से बगल के मंच में मंचा सिंह हमारे बड़े भैया जिनको भी आप लोग सुन रहे थे जितना भी कहो कम है। हमको लगता है कि मऊ में तीन चार मंच को लोग हो तो चौथा मंच बिहारी भैया से रहा और घोसी चीनी मिल पर और तब से लेकर के एक लगन लागी वह लगन छूटने का नाम नहीं लेती है बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है।
एक बार हम चाहेंगे बड़े भैया के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत। और बता दें कि यह कार्यक्रम, जब से इस कार्यक्रम की बातें चल रही थी तब से लेकर के अब तक का शेड्यूल यही है कि राहुल गवाह है, भैया भी हैं, ये लोग बोल रहे थे अकेले आकर गा दीजिए, हमने कहा अकेले विरह होता नहीं है। अगर भाई देव भाई का बजट बहुत लंबा चौड़ा हो तो मैंने कहा कि हम दो भाई हैं, दोनों भाई मिल करके गा लेंगे, और आखिर वही हुआ, बट डेट 11 हो गया, बाकी सब कुछ सही है। चलिए घड़ी 12 पे पहुंच चुकी है, ज्यादा कुछ ना कहते हुए पुनः एक बार आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए, मंच पे मंचा सिंह जी, हमारे गार्जियनों का नाम छूट गया है, माफी चाहता हूं, चूंकि नाम की कतार बहुत बड़ी है और इतना मऊ के लोग हमके प्यार देने वालों के केकर केकर नाम गिन नाम गिन तो नामे गिन केदार भैया ना। और केदार भैया को तो इतना चर्चा कर दिला कि कितने पड़ोसी का सीना पर कीड़ा लोटो थे, बसरते सवाल यही है जो ओम प्रकाश दीवाना से टकराया वो मार्केट से बहुत दूर उधी आया। हम मऊ में बोल रहे हैं, हम तो ऐसे मऊ में जानबूझ के बोलेंगे, खासतौर से जहाँ ज्यादा लोग होते हैं वहीं हम अपना चाहते हैं कि नहीं आप लोग अपना प्यार दुलार देते रहे। चलिए आइए वंदना की शुरुआत करते हैं। आ तो हमारे बड़े पुराने साथी मन में मनु भाई मुस्कुरा रहे हैं, मुलाकात तो हुई कम से कम, एक दौर था सप्ताह में रोजे मिल लेते थे हमें, समय बदलता रहता है, समय परिवर्तनशील है, इंसान को यह बात भूलनी नहीं चाहिए। कोनो प्रेमी के कोनो प्रेमिका का याद सता चले भाई, हमें याद है, या चाहे कोनो प्रेमिका के प्रेमी का याद सतल ले बाबा। दुनिया में हर चीज मिट जाला, याद ना मिट, अचानक प्रेमी को याद आई है, दिल की बात बता रहा है, मास्टर संकेत करता है कैसे। बड़ी पुरान फिल्म का तर्ज बा, फिल्म का नाम बा अर्पण। वैसे फिल्मी धुनों पे हमारा जितना भी वंदना आता है तो बहुत प्यार दुलार देते हैं, तो हम चाहते हैं कुछ ना कुछ अलग हो। आशी कहता है करना चाहूंगा, एक नाम भूल गए हमारे छोटे भाई लोग, लोकगीत के बहुत सुंदर गायक, मिशन के बहुत बढ़िया गायक और बहुत बढ़िया उद्घोषक है राजू सहगल जी, आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत है। आशी कहता है वन बोल
लिखने वाले ने अंतरा की लाइन गजब का लिखा है। क्या यही दिल लगा दे, क्या यही प्यार करे मेरे जब है, क्या यही मौज मस्ती बदेवा। ऐसे के महफिल में कई लोग कई मिजाज का होते हैं। मैं जब से विराह में थोड़ा बहुत होश संभाला, लगा कि नहीं हमें कुछ सच की तरफ चलना चाहिए। सवाल ये बात कि हमन भारत के मतारी बाप खास तौर से जन्मा दी है, पाल दी है, पोस दिए हैं, लेकिन जे तनि हमन हो संभाल जाए तो ना कहें कि हमहने में कुल पावर बा। हमहन जैसे जैसे हो संभाल ली तैसे तैसे वो पावरवा अपन खत्म करके दूसरा के बतावे लगे। और जब मैंने हो संभाला तो लगा कि नहीं पावर तो हमारे माई बाबू में बा, पावर तो रउआ लगन का माई बाबू में बा, पावर वो दादी में रहा जोन पावर आज नहीं खे, जब नहीं खे तो निर्गुण गवा। सागर कुमार घोला